मिल रही है बड़ी खबर जो कि मुंबई से है, जहां पर अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। दरअसल उन्हीं की अपनी बंदूक थी, रिवॉल्वर थी, जिसे वो साफ कर रहे थे। और जानकारी जो मिल रही है कि रिवॉल्वर साफ करते वक्त ही गोली चल गई। लाइसेंसी ये रिवॉल्वर थी जो घुटने में गोली लगी है, जिस रिवॉल्वर से गोविंदा को फिलहाल आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा, फिल्म एक्टर गोविंदा जिन्हें गोली लग गई है। उनके फैंस के लिए ये बड़ी चिंता वाली बात है। जख्मी स्थिति में गोविंदा को अस्पताल पहुंचाया गया है, जो अभी इनिशियल स्टेज पर जानकारी मिल रही है। रिवॉल्वर का लॉक खुला रहने से ये हादसा हुआ है। रिवॉल्वर का लॉक खुला हुआ था, रिवॉल्वर साफ कर रहे थे खुद अभिनेता गोविंदा, जिन्हें ये मालूम नहीं था कि लॉक खुला रहने से इस तरह से हादसा हो जाएगा, अंदाजा नहीं हुआ। रिवॉल्वर का लॉक खुला था, खुद ही रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और अचानक से गोली चल गई और गोली उनके घुटने में लगी है। नीतीश झा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। नीतीश, सबसे पहले बताइए गोविंदा कैसी हालत में है अभी? जी देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त जो है उन्हें मुंबई के क्रिटिकल अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं, सुबह 5 बजे की एक घटना है रचना, जिस समय वो कहीं जाने की तैयारी में थे और उसी दौरान जो है उन्होंने सबसे जो सब कुछ करके जो रिवॉल्वर है, लाइसेंस रिवॉल्वर है, वो साफ कर रहे थे और उसका लॉक जो है खुला हुआ था और उस समय एक मिसफायर जो है उन्हीं के हाथ से हुआ और वो गोली जो है उनके पैर के घुटने में जाके लगी। इसमें एक चीज और ये है रचना की अब वो गोली छू के निकली है या गोली पैर में लगी है, इस बात की भी जो है यहाँ पर जानकारी अभी तक आई नहीं है। अगर गोली छूकर निकली है तो ज्यादा चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन अगर गोली लग गई है तो कहीं ना कहीं काफी चिंता की बात है। फिलहाल अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गोविंदा जो है उन्हें क्रिटिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आनंद फानंद में जो है उन्हें नजदीक के अस्पताल था, उन्हें वहां भर्ती कराया गया और उसके बाद अभी जो है वहां पर उनका इलाज चल रहा है और वहां पर डॉक्टर्स की टीम है वो उन्हें जो है इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जो है कोशिश वहां पर की जा रही है। ये खबर जो है गोविंदा के फैंस के लिए काफी अच्छी खबर नहीं है। और ऐसे में आपको बता दें, हाल ही में उन्होंने जो है शिवसेना पार्टी भी ज्वाइन की, राजनीति से भी जुड़े हैं, तो काफी बेहद दुखद खबर जो है लोगों के लिए है, उनके फैंस के लिए है। जिस तरीके से आपने बताया, फैंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, फैंस के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। आप मुझे परिवार से जुड़ी जानकारी बताइए, क्या घर पर मौजूद थे गोविंदा जब गोली लगी? सुबह 5 बजे वो रिवॉल्वर साफ क्यों कर रहे थे और अभी अस्पताल में उनके साथ में कौन है? घर में कौन कौन था जब ये हादसा हुआ? बिल्कुल देखिए, उस वक्त जिस वक्त हादसा हुआ है अभी जो जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक उनकी पत्नी जो है वो वहां पर मौजूद थी, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो वहां पर थे या नहीं थे इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन ये पूरी घटना सुबह उस दरमियान हुई जब वो तैयार थे कहीं जाने के लिए, कहीं बाहर जो है वो जा रहे थे, किसी जगह पर जो है किसी इवेंट से सिलसिले में या किसी शूट के सिलसिले में जो है कहीं जा रहे थे। वो जाने से पहले लाइसेंस रिवॉल्वर जो है उनकी वो निकालते हैं, साफ करते हैं, जिसका लॉक जो है खुला रहता है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गन्स और बाकी इन चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। हालांकि गोविंदा का उस चीज़ पर जो है ध्यान नहीं गया होगा कि लॉक जो है वो खुला हुआ है और ऐसे में जो रिवॉल्वर साफ करते हुए उनके अपने ही हाथ से जो है एक मिसफायर हो जाती है और एक गोली उनके घुटने में जाके लग जाती है। हालांकि इस वक्त जो है सबसे अहम बात यह है कि उनकी स्थिति जो है वो फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है, कहा ज्यादा चिंता की बात है नहीं। लेकिन ये गोली जो चली है, गोली जो लगी है, अभी तक पूरी तरह से जो है रिकवर गोविंदा नहीं हुए हैं, ऐसी जानकारी है। पूरे